तो कैसे हैं आप सभी। इस टाइम मैं हूँ द्वारकाधीश में और मैं पहुँच चुका हूँ द्वारकाधीश बहुत इंतज़ार के देख बाद। सकते हैं मैं जा रहा हूँ अभी बटकेश्वर महादेव के मंदिर की तरफ, जो कि समुंदर के बिल्कुल किनारे पर है। समुंदर का आनंद लेंगे। ये देखिए, आपको समुंदर के आसपास का एरिया दिखाई दे रहा है। मैं अभी जाऊंगा, उससे पहले मैं बटकेश्वर महादेव का जो मंदिर है उसके दर्शन करके आता हूँ। एक्चुअली मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि वहाँ पर फ़ोन अलाउड नहीं है। यहाँ पर काफ़ी मंदिर है जहाँ पे फ़ोन कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैं आपको किसी भी चीज़ के दर्शन नहीं करवा सकता। आप सभी को सनसेट पॉइंट वगैरह है जो वो दिखाऊंगा। यहाँ वैसे ड्रोन भी अलाउड नहीं है, लेकिन देखता हूँ कल मैं दो तीन एरिया है जो आसपास के, वहाँ जाऊँगा घूमने। अगर वहाँ पर ड्रोन अलाउड हुआ तो ड्रोन वीडियो भी मैं शूट करूँगा और बाकी सब भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन मैं आपको यहाँ मंदिर की जो है वीडियोस हैं वो नहीं दिखा सकता, सिक्योरिटी रीजंस है, क्योंकि गुजरात के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। आप वहाँ ड्रोन नहीं उड़ा सकते। वहाँ यहाँ पर पहले भी एक दो बार किसी ने ड्रोन उड़ाने की कोशिश की है, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ा है, गिरफ्तार किया है, क्योंकि ये डीजीसीए की वेबसाइट है उस पर भी अब ड्रोन का एक मैप डाल दिया गया है कि आप सिर्फ इसी एरिए में ड्रोन उड़ा सकते हैं। और जब मैंने उसको डीजीसीए की वेबसाइट पे वो ड्रोन को चेक किया तो मैं वहाँ उस एरिए में ड्रोन नहीं उड़ा सकता था, मैंने देखा है। तो हम क्यों रिस्क ले इस चीज़ का, रूल्स को हम नहीं तोड़ेंगे हैं। तो चलते हैं बटकेश्वर महादेव मंदिर की तरफ। दोस्तों ये सामने ही देखिए, सामने आपको अगर मंदिर दिखाई दे रहा हो ये है, लेकिन यहाँ पर एंट्री पर वो नहीं कर सकते। आप सी एरिया देख सकते हैं, वो देखिए, आपको समुंदर दिखाई दे रहा हो अगर, लेकिन थोड़ी देर में हम वहीं जाने वाले हैं तो समुंदर की जो क्लिप है वो मैं आपको डालूंगा। ये पुलिस क्वार्टर्स हैं दोस्तों इधर बने हुए सारे, और वो सामने मंदिर है दोस्तों। मैं उनके दर्शन करके आता हूँ, फिर मैं जाऊँगा सनसेट पॉइंट के पास और आपको भी कुछ वीडियोस दिखाऊंगा समंदर की, अरब सागर की। ठीक है दोस्तों, दोस्तों सी देख सकते हैं आप, ये है अरेबियन सी है। मुझे ये नहीं पता कि ये अरेबियन सी या कौन सा सी है, लेकिन ये सामने है बटकेश्वर महादेव का मंदिर है और यहाँ आसपास आप सी एरिया देख सकते हैं दोस्तों। अरब सागर ही है। बता दूं यहाँ साउंड की थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी आपको, क्योंकि समुंदर की आवाज काफी ज्यादा है। दोस्तों ये जो एरिया है ना, अगर आप यहाँ ड्रोन शूट करें तो काफी बढ़िया लग रहा है।
आप सभी ने देखा द्वारकाधीश के आसपास का जो एरिया है वो मैं अब रहा हूँ। ये देखिए समुंदर है, समुंदर किनारे। आपको इसमें वीडियो में थोड़ी आवाज़ की प्रॉब्लम लगेगी क्योंकि समुंदर की आवाज़ काफ़ी ही ज़्यादा है। ये देखिए, ये आपको एक मंदिर है जो बटुकेश्वर महादेव जी का मंदिर है। ये समुंदर के अंदर ही है, आप इसे देख सकते हैं। देखिए मैंने इसको वॉच किया और आप ये समुंदर देख सकते हैं, इसके आसपास समुंदर है और इसके आसपास का एरिया देख सकते हैं आप। यहाँ पर सनसेट एंजॉय कर सकते हैं, सूरज भी छिपने वाला। मैं यहाँ बैठा हूँ, सूरज देख रहा हूँ, आसपास का व्यू देखिए। मुझे ये काफ़ी अच्छा व्यू लगा दोस्तों, जो ये व्यू है ये समुंदर के उससे कटाई हुई है पत्थरों की, तो ये व्यू काफ़ी ही अच्छा है। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए समुंदर का पानी इस पर पत्थरों पे लग रहा है और ये इसको काट रहा है। लेकिन यहाँ काफ़ी शांति है, सिर्फ समुंदर का शोर है और कुछ नहीं है। तो बिल्कुल आप अगर समुंदर किनारे मज़े लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आइए। और अब इसके बाद मैं जाऊंगा अभी मंदिर में, द्वारकाधीश के मंदिर में मत्था टेकने के लिए। लेकिन उस अभी मैं बेट द्वारका जा चुका हूँ, वहाँ भी मत्था टेक चुका हूँ, लेकिन वहाँ वीडियो अलाउड नहीं है तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन आप लग रहे हैं, देखिए लोग सभी वहाँ घूम रहे हैं। ये देखिए आसपास, एक्चुअली समुंदर को आप जब भी देखेंगे दोस्तों, आप जब भी उसके पास बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि समुंदर मतलब जो शहर है उसके लेवल से काफ़ी ऊपर उठा हुआ है और आपको ऐसा फील होगा कि इसका पानी जल्द ही शहर में घुसने वाला है, लाइक सुनामी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ फील काफ़ी अच्छा है दोस्तों। दोस्तों इस टाइम मैं द्वारकाधीश टेम्पल की तरफ जा रहा हूं, लेकिन अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। सिर्फ बाहर की आपको वीडियोस हैं कुछ एरिए की, वो दिखा सकता हूं। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, मेरा फ़ोन रुक जाएगा। तो इस एरिए को मैं शूट कर रहा हूं, तो आप देख सकते हैं। दुकान है, शॉप्स हैं काफ़ी सारी सामान खरीदने के लिए। मैं भी कुछ शॉपिंग करने वाला हूं, लेकिन पहले द्वारकाधीश जी के दर्शन करेंगे और उसके बाद हम कुछ खरीदारी करेंगे।